दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरा पर्पल हॉल। जी हाँ, पर्पल से मैंने रिसेंटली, एज यूजुअल पर्पल में बहुत अच्छी अच्छी सेल चलती है, तो जब भी मुझे कुछ सेल में मिलता है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो इस बार मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली हैं और एक आध मैंने जो है नेल पेंट और नेल रिमूवर लिया है। नेल पेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, बट आई टेल यू व्हाट नेल पेंट आई हैव टेकन। तो अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, अभी भी जो है सेल चल रही है इन प्रोडक्ट्स पे, तो अगर आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैंने लिया है दोस्तों, NYB की, अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको पता भी होगा, NYB की जो है मेटालिक लिपीस निकली है, लिक्विड लिपस्टिक्स निकली है। तो इसमें से मैं कुछ शेड्स ट्राई करना चाहती थी। मैंने सोचा पहले मैं एक लेकर देखती हूँ कि शेड किस तरह का है। सो मैंने जो शेड लिया है वो है शेड नंबर 6। एक्सेलेंट शेड का नाम है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। बाहर से आप देख ही सकते हो पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है जो लिक्विड लिपस्टिक्स निकली थी। पहले भी मैंने शेयर की हुई है इनकी लिपस्टिक्स, अगर आपने नहीं देखी है, आप वीडियो चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो, मैं उसे लिंक आउट कर दूंगी। तो ये जो मैंने लिया है ये शिमर, इसमें थोड़ा सा शेड में शिमर आता है, मेटालिक शेड है। और मैं आपको इसका यहाँ पे पहले स्वॉच देती हूँ। बहुत ही डार्क मरूनिश काइंड ऑफ शेड है दोस्तों ये। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का शेड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली उस तरह का शेड नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शेड, और स्क्रीन पे भी मैंने जैसे देखा था पर्पल में उस तरह का शेड नहीं है। बट एनीवेज आई एम हैप्पी विद द शेड। सो ये है दोस्तों शेड, आप देख सकते हो इस तरह का है। और लगाने के बाद हल्का सा डेफिनेटली मुझे शिमर दिखा लिप्स पे, जब मैंने सनलाइट में मैंने जाकर देखा क्लियरली तो मुझे शिमर लगा। बट ड्राई होने के बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक की तरह लगेगा, हल्का हल्का सा शिमर लगेगा बट ज़्यादा नहीं। सो ये एक मेटालिक जो मैंने लिपस्टिक ली है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है दोस्तों ये आई एम्स्टरडैम का लिक्विड लिपस्टिक मैंने लिया है, मुझे ट्राई करना था इसे। पैकेजिंग इसकी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग मुझे इसकी लगी। और ये है आई एम्स्टरडैम की ट्यूलिपा ट्रायम्फ, ये ट्रांसफर प्रूफ हाईली पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है। शेड जो मैंने लिया है एनी शिंडलर 9 शेड मैंने लिया है, और मैं आपको बताती हूँ ओपन करके। पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, जो ट्यूलिप्स बने हुए हैं बाहर बहुत ही मुझे प्यारे लगे। अंदर जो है लिक्विड लिपस्टिक की इस तरह की है दोस्तों, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी। अगेन इसकी पैकेजिंग बढ़िया है अंदर भी, और ये पूरा मैट इसकी जो है पैकेजिंग है। और शेड एनी शिंडलर, नीचे भी शेड नेम शेड नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये दोस्तों बहुत ही प्यारा लगा मुझे शेड, बढ़िया डेली वेयर काइंड ऑफ शेड है। आप इसे कैजुअल पार्टी, डे टाइम, नाइट टाइम कभी भी आप इसे पहन सकते हो। सो इस तरह का शेड है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ये बाहर बॉटल में दिख रहा है उसी तरह का शेड है। और बहुत ही इसकी जो फील भी जो है लगाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील आती है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और ये मुझे मिला 199 रुपीज़ का, और जो NYB की लिपस्टिक मैंने ली वो मुझे सेल प्राइस में मिली थी आई थिंक अराउंड 160 और 130। मैं नीचे मेंशन कर दूंगी प्राइस, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये दो लिक्विड लिपस्टिक्स मैंने ली हैं। तीसरी जो मुझे ट्राई आउट करनी थी, मैंने पहले भी ली थी बट मैंने इसे गिव अवे में दे दिया था, NYB की मैंने ये सुपर मैट लिपस्टिक ली है, और शेड मैंने लिया है 20 एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस शेड ऑल्सो। शेड का नाम है डार्जिलिंग डोना, यहाँ पे है शेड का नाम, शेड का नाम नंबर है 20, ऊपर भी नंबर दिया हुआ है और नीचे शेड का नाम दिया हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी रेड शेड दोस्तों, ये आप देख सकते हो। ये वाला शेड भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हल्का सा ऑरेंज टिंट आता है इसमें, हॉट रेड है बिल्कुल। और ये अराउंड जस्ट मुझे 90 रुपीज़ समथिंग में मिली। तो सारे ही NYB के प्रोडक्ट्स जो है सेल प्राइस में चल रहे हैं, अगर आपको कुछ ग्रैब करना है आप ग्रैब कर सकते हो। मैंने ली थी एक जेल नेल पेंट दोस्तों, जो मैंने लिया था शेड टोमेटो पाई शेड है, हल्का सा मेरे अभी हैंड्स पे है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा निकलने वाला है। बट मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग नेल पेंट है दोस्तों। अगर आप अच्छी जेल नेल पेंट या फिर अच्छी नेल पेंट देख रहे हैं जो काफ़ी टाइम तक टिके और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हो, 80 रुपीज़ इसकी वर्चुअल प्राइस है, बट आपको ये मिल जाएगी जस्ट 69 रुपीज़ पे सेल पे। सो डेफिनेटली मैं इसके और भी कुछ नेल पेंट्स, नेल शेड्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो,
क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को रिसेंटली मैंने उसे दी थी, उसे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप इसे ले लो एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द शेड। बट डेफिनेटली आप इन नेल पेंट्स को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, एन वाई बी की जेल नेल पेंट्स बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है और ऑलमोस्ट मुझे ये लगाकर एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है और आई थिंक इट्स डूइंग गुड। ज़्यादा निकली नहीं है, थोड़ी बहुत यहाँ से चिप हुई है बट अदरवाइज बहुत ही इसका जो स्टे पावर है बहुत ही अच्छा है। देन मैंने लिया है नेल पेंट रिमूवर दोस्तों एन वाई बे का, ये भी मुझे बहुत ही सस्ता मिली, 49 रुपीज़ इसकी प्राइस है बट इससे भी कम प्राइस में आई थिंक 30 रुपीज़ समथिंग में मिला मुझे और ये भी पैक्ड है, मैंने इसे ओपन नहीं किया बट इसे ट्राई ज़रूर करूँगी और देखूँगी किस तरह का। यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन फ्री विच इज़ रियली गुड, सो क्यूट सी पैकेजिंग है छोटू सा। सो ये रहा मेरा पर्पल हॉल दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा आप चेक करना चाहते हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।